हेलो जी, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू ए न्यू व्लॉग। अभी 7:30 बज गए हैं। आज पेंसिल ख़त्म हो गई थी, और पेंसिल दिखाना कैसे लिए। पेंसिल भी कलर चॉइस में लानी पड़ती है इनकी, इसके वाली रेड या पिंक और आरुस वाली ब्लू है ना। तो दोनों नई पेंसिल का उद्घाटन करेंगे आज। दोनों के बैग में आज पेंसिल नहीं है, ये छोटी बच गई हैं। अभी तो काफ़ी लिखा जाएगा इससे, इतनी बड़ी तो बहुत है, ये तो कई दिन चलेगी। इसी ले कर जाओ अभी, नहीं और गिर गई, उठा लो आराम से। तो भाई आरुषि होली है रेडी, और आरुष के नाने अभी दोनों रेडी हो जाते हैं। इनके बैग चेक करने पड़ते हैं रोज की भाई क्या चीज़ कम है, क्योंकि कई सारी चीज़ खोते भी हैं ये। अभी दिखाना आरुषि, हाँ देखो, एक रेड निशान वाली है और एक ब्लू निशान। लो चाय। तो भाई चाय आ गई है, थोड़ी सी चाय का छटकारा लगा लेते हैं, और थोड़ा सा पेट पूजा का टाइम अब हो ही जाता है भाई, 5 बजे का जगह हूँ मैं तो। सब लोग अपने अपने पकवान करते रहते हैं, जगते तो हम भी सवेरे ही हैं, लेकिन हम कहीं बाहर घूमने के लिए जाते नहीं। बस ये है कि इतना हम घूमने के लिए जाएंगे, हमें लगता है कि हम अपने घर के बहुत सारे काम निपटा देंगे जो धूप से पहले हो जाएं। और एक बच्चों के ब्रेकफास्ट की और लंच की तैयारी करनी पड़ती है हम लोगों को, तो सब भिंडी बना कर दूँगी आज बच्चों को। टमाटर प्याज दोनों चीज़ें काट लिया, गैस का चूल्हा साफ़ कर लिया, क्योंकि यहाँ पर निकल गई थी चाचा पिताजी की जब चाय बनाई चाय, तो आज तेल इस वाले डब्बे में से यूज करा, क्योंकि बोतल वाला जो है वो ख़त्म हो रहा था, तो उसे निकालने में थोड़ा सा रिस्क है, तो इतनी जल्दी मैं निकल नहीं सकता, तो इधर रख दिया चाय। चाय बनाऊंगी शक्कर की, और गुड्डू ने ना चाय पीनी बंद कर दी बिल्कुल, और ठीक भी है, बच्चों के लिए चाय एनर्जी थोड़ा देती है, हम लोगों को तो आदत पड़ी हुई है पहले टाइम से ही। तो इधर अदरक भी कस कर डाल दिया है, और जब तक चाय बनेगी तब तक भिंडी भी बनकर तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने जीरा भूनने के बाद में डाल दिया प्याज, प्याज को थोड़ा सा भून लेंगे और फिर डालेंगे इसमें टमाटर, और खटाई डल जाना भिंडी में थोड़ी सी, तो खिली खिली बने हैं बढ़िया एकदम। तो देखो जी, और अभी तो एक बार और बन जाएगी, थोक के भाव में जब सब्जी आती है दो दो या तीन तीन बार खाना पड़ता है। वैसे तो अदल बदल के बनाती रहती हूँ मैं, यहाँ मैंने धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, लाल मिर्च पाउडर, हरी मिर्च कटी नहीं थी क्योंकि टाइम नहीं था इतना, जल्दी बहुत थी मुझे। तो भिंडी अभी ये सारे मसाले पका के डाल दिए मैंने, तो अब इसको जो है बस मिक्स करके सारे मसालों को भिंडी में, तो अब इसे हम ढक देंगे, और इसे पकने के लिए थोड़ा टाइम देगा जब तक बनाऊंगी आटा। अब IPL केवल देखो ही नहीं, बल्कि अपने ओपिनियन देकर काफी प्राइज भी जीतो, वो भी Lotus365.in पे। यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे, जैसे मैच कौन जीतेगा, टॉस कौन जीतेगा, इस तरह के 50 से ज्यादा क्वेश्चंस में आप अपने ओपिनियन देकर काफी अच्छे प्राइजेस जीत सकते हो। Lotus365 पे जाके रजिस्टर कीजिए और पाइए ₹365 का बोनस। और हाँ, यहाँ पर आपको 1-to-1 24 आवर्स का कस्टमर सपोर्ट मिलता है, और यहाँ पर 10 मिलियन से ज्यादा यूजर्स खेलते हैं। यहाँ पर क्रिकेट के अलावा हैं 200 से ज्यादा क्वेश्चंस जिनमें आप अपना ओपिनियन देकर काफी अच्छे प्राइजेस जीत सकते हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, काजल अग्रवाल, उर्वशी रोतेला, सुनील शेट्टी, नेहा शर्मा जैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज इनके ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो देरी मत कीजिए, डायरेक्ट रजिस्टर करिए Lotus365.in पे, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन मिलेगा। सब बच्चे नाश्ता कर लें, और इसका लगी रह रहा, क्या बना रही गुड्डू? बनाना शेक सुबह सुबह है, वैसे तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं बना ले, बाकी पर बनाता नहीं है अभी बनाना, या कुछ और शेक बनाई करेंगे अपने यहाँ पे। नहीं, आइसक्रीम बनाता है, चॉकलेट गोल गोल के धर दे फ्रीजर में, वह जमो या न जमो। तो ब्रेकफास्ट बन गया इनका लगभग, और टिफिन भी जो है देखो अब लगाऊंगे रख के चलो के, और ढूंढने नहीं पड़ते इसलिए रख दे शाम के टाइम ही। और ये बनने मक्खन वाले पराठे, तो पराठे जो है मैंने बना दिए हैं, पराठे खा कर जाएंगे और भिंडी के साथ भी लेकर जाएंगे। तो इधर सब्जी भी हमारी रेडी हो चुकी है, चाय भी बना दी है, दूध भी गर्म कर दिया है, तो प्रीति ने सारे बच्चों को रेडी कर दिया है। जब तक सूखी सब्जी के साथ साथ चिंकी को दिया है लस्सी का एक बोतल भर के, ये देखो है, तू भी पी ले ले वहां से एक बोतल में कर ले छोटी में, सूखी सब्जी के साथ बढ़िया लगे, पहले तो इसे जोड़ लो, गर्मी भी नहीं आती, एनर्जी आ जा। मुझे क्या बोतल में मेरी बोतल, आपको भी लस्सी चाहिए? नहीं। और नहीं है बोतल, चाय इसे तो चाय चाहिए, चाय लवर है जी ये तो, ये देखो। नमस्ते बेटा, जीत रहो, चलो सदा सुखी रहो, खुश रहो, स्वस्थ रहो, जीत रहो, चलो आना गाड़ी कम करो, सुबह के टाइम उठने में ही करता है थोड़ा, नहीं तो फिर तो खुश होकर चला जाता है, जब तक नाता नहीं जब तक इसे आलस आता है। चलो पिताजी को भी करो, चलो बेटा चाचा जी छोड़ के आएंगे आज तुम्हें, है ना, पिताजी को भी नमस्ते करो, चलो आराम से, चलो मम्मी पता है, रख लिया क्या अपना टिफिन वगैरह सब रख लिया।
बाय बेटा। नंदिनी को खेलते खेलते एक शर्ट का बटन मिल गया। अब पहले तो मुझसे पूछ रही पापा जी किसका है, मैं भाई मुझे तो पता नहीं किसका है, कह रही अब तो ये मेरा हो गया माँ, इसका हो गया ये बटन। कौन लगाओगी सर? पूछियो। इसकी शर्ट का टूट रहा है, ये शर्ट है भी तेरे पास बेटा, तुम शर्ट लायक हो नहीं अभी। फ्रॉक पहनो, अभी तुम फ्रॉक और टी शर्ट पहनो। माँ आज स्कूल के लिए इसकी छुट्टी करवा दी और इसका लग गई थी बहुत चोट, देखो बेटा दिखाना ये देखो कितनी इंजरी हो रही, और इसकी चोट के कारण ही ना बेटा, तुम इतनी शरारत मत किया करो। कल भाग रही थी ये, खेल रहे थे तीनों, आरुष आरुषी और ये आरुष भगा रहा था। तो कैसे खेल रहे तुम, भागम भाग, और चोट कितनी लगती है देखियो, ऐसे नहीं खेलते। हाथ में भी लग रही, यहाँ पे भी लग गई देखो, टुड्डी के पास में, और इंजर्ड है आज बेबी है हमारा, इसलिए मैंने जहाँ पहले लगी थी। हाँ, हाँ तो एक ही जगह, मतलब ये जगह जो है ये खतरनाक हो रखी है, बार बार एक ही जगह चोट लग रही। दवा तो लगा, आज तुम आराम करो ठीक है। पैर में भी लग रही, हाथ में भी लग रही, टुड्डी पे भी लग गई, देखो कितनी इंजरी हुई है हमारे बेबी को, इसलिए भाई आज इसकी छुट्टी करवा दी, आज इसे भेजा ही नहीं है कभी भाई, इसके और चोट लग जाए है। बच्चे भी तो दुखा दे ना चोट, बच्चे ना दुखा पाए इसकी चोट। कहाँ बैठ जाएगी? आगे बैठ जाओगे आप? अच्छा, मेरे बेबी का आज यहाँ मन नहीं लग रहा बिल्कुल भी है ना। कल को जाएगा ये, कल जाएगा ठीक है। मेरे पापा अरविंद पापा, पापा। और कौन छोड़ के आते हैं आपको स्कूल? अरविंद पापा। लेके कौन आते हैं आप? मेरा क्या नाम है? लील पापा। और आप किसके बेटे हो? आपके। बस यही सुनना था मुझे, इसी से मुझे तसल्ली हो जाती है बेटे। माँ आज इसके साथ टाइम स्पेंड करना, क्योंकि ये बोर हो रही, अब स्कूल में जाने की आदत लग गई थी धीरे धीरे, लेकिन आज मजबूरी है छुट्टी लगवाने की। तो देखिए जी, कल ही शाम के टाइम में आप लोगों को अपडेट दे रही थी कि हमारी ये जो काऊ है वो प्रेग्नेंट है, लेकिन इत्तफाकन सुबह के टाइम इसके साथ में बहुत गलत हुआ और इसका जो बच्चा है वो खराब हो चुका है। तो इस गाय की ना प्रेगनेंसी क्रैश होगी हमारी, की एक महीने से ज्यादा की थी। हाँ। तो भाई बड़ा दुख होता है जब इनके साथ में मेहनत करते हैं ना, और हम तो कम ही करते हैं, पिताजी चाचा जी माँ, तो बहुत दुख होता है कि भाई इतनी मेहनत का फल जब बिखर जाता है ना, खराब हो जाता है, तो भाई देखा नहीं जाता। और बड़ा जोर पड़ रहा था उन पर सुबह सुबह, ये काम हुआ अभी 8 बजे करीब, और बस क्या कर सकते हैं भाई, जो भी भगवान की मर्जी। अब देखो पशु हैं और बेजुबान है, बोल के नहीं बता सकते, लेकिन दुख तो इन्हें भी खूब होता होगा, तो इनका दुख बस महसूस करने के अलावा कुछ नहीं किया जा सकता। आज बड़ी उदास है ये हमारी गाय, भले ये पशु हैं लेकिन समझते ये भी हैं, जैसी भगवान की मर्जी वैसा हो गया। सेवा में लगे ही रहते हैं पिताजी चाचा जी माँ तो हमेशा ही, और भाई जितना हमसे वो बनता है उतना हम भी करते हैं। 2 साल पहले भी ऐसा ही हुआ था, और उसके बीच में सही थी इसकी प्रेगनेंसी, ये भी आ गई थी, और इसका देखो ये लाला ये खड़ा है अभी, तो अभी दोबारा से प्रेग्नेंट थी और इसका बच्चा खराब हो गया, प्रेगनेंसी क्रैश हो गई इसकी। लेकिन भाई कोई बात नहीं, भगवान की मर्जी के आगे कुछ नहीं चलता, तो भगवान जो है हिम्मत दे इसे भी और हमें भी। माँ पिताजी पिताजी और माँ चाचा जी कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा, बहुत उदास है सुबह से। सुबह से उदास हैं भाई, समझा सकते हैं केवल उन्हें, और क्या कर सकते हैं भाई। राम जी दोबारा देंगे, भगवान देखेंगे सब जो है भरपाई करेंगे इसकी भी। और सुबह से ये बैठी नहीं है। हाँ, वैसा कोई दिक्कत नहीं है सर बॉडी में, और देख इसकी आँख में ना पानी चल रहा है, आंसू चल रहे हैं। 2 दिन तक वो साबुन भी लगाई जा रही, साबुन खत्म हो रही ना, वो मक्खी वाली बैठे है ना, तो जख्म हो जाए इसके अंकों के पास में, तो इसमें अंकों से पानी चलने लगा। ये वी मैक्स साबुन लाते थे हम पहले, बहुत असर करती थी, अब वो नहीं करती। अब मुझे लगता है उसकी आदत पड़ गई इनकी स्किन को, वो असर नहीं करती है कुछ, मक्खी मच्छरों को भी आदत पड़ गई उसकी। नहीं, भैंस की स्किन बिल्कुल ठीक होगी। क्या हो गया, क्या कह रही है? नोजी आ रही है। चलो एक रुमाल रख लो आप और अपनी नोजी साफ कर लो, अब तो साफ करने लायक हो गए आप हैं, गंदा मत होने देना, वेरी गुड बच्चा। तो भाई पिछले 4-5 दिन से ना हमारा मिशन है, उसमें घेर में ना जहाँ पे हमारे चिनाई का काम चल रहा था और नया घेर बन रहा था, उसमें मिट्टी फिल करने के पीछे हम लगे हुए हैं, लेकिन मिट्टी नहीं मिल पा रही भाई कहीं से भी। आज भी मैं सुबह भी घूम गया, कहीं खेतों में घूम गया, पूछ गया,
जहाँ पे मुझे पता चल रहा था तो भाई कहीं पे उठ चुकी है और कहीं पे जो है मिट्टी उठने से पहले ही काम चालू कर दिया उन्होंने, खेती का अपना बो दिए फसल। तो बस पिताजी चाचा जी भी एकदम जो है बिल्कुल इस तरीके से बोर हो रहे हैं, क्योंकि इन्हें वहाँ की जो है आदत हो गई थी कि भाई वहाँ काम करवाना और कंप्लीट करना वहाँ का काम। तो ये एक बात आ रही है हमारे सामने, खैर इसका भी सोल्यूशन निकलेगा। फिलहाल तो भाई चलो सर्च करते हैं कहीं पे मिट्टी कि कहीं पे थोड़ी बहुत और हम फिल करवा के उसमें आगे की कार्रवाई जारी रख सकें और उसमें चिनाई फिर से चालू हो जाए। तो फिलहाल तो भाई चलो अब कुछ और काम करते हैं और उससे पहले आपसे ले लेते हैं विदा, कर देते हैं वीडियो का एंड और व्लॉग यहीं पे समाप्त होता है आज का। तो आपसे मिलते हैं अगले व्लॉग के साथ में, नंदनी के साथ में मैं थोड़ा सा टाइम बिताता हूँ, अब इसकी हौसला अफजाई करता हूँ, उसे लगी है चोट और इसे आराम देने की कोशिश करता हूँ, देखो फिर दिखा रही है, हैं। तो जी मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय और सबको हमारी राम राम, राम।